भगवान विष्णु और भगवान शिव के बारे में कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, जो उनके गहरे संबंधों और भक्तिभाव को दर्शाती हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे के इष्ट देव और भक्त भी हैं, और समय समय पर दोनों एक दूसरे के इष्ट देव और भक्त बन जाते हैं। दोस्तों, आज हम एक खास कहानी के बारे में जानेंगे, जो भगवान विष्णु के शस्त्र सुदर्शन चक्र से जुड़ी हुई है। ये कहानी बताती है कि किस प्रकार भगवान शिव ने भगवान विष्णु को ये सुदर्शन चक्र भेंट किया था। और खास बात ये है कि जिस दिन ये चक्र भगवान विष्णु को मिला, उस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु, जिन्हें हम नारायण भी कहते हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए। भगवान शिव को खुश करने के लिए भगवान विष्णु ने 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से भगवान विष्णु ने पूजा की सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित की और पूजा का आसन ग्रहण किया, और उन्होंने संकल्प लेकर पूजा की प्रक्रिया शुरू की। दोस्तों, भगवान विष्णु इस पूजा में भक्त की भूमिका में थे, और भगवान शिव इस पूजा के दौरान भगवान के रूप में उपस्थित थे। भगवान शिव के मन में एक ठिठोली का विचार आया, और उन्होंने चुपचाप एक कमल पुष्प को चुरा लिया, जिससे भगवान विष्णु को इसका पता नहीं चला। भगवान विष्णु पूजा में पूरी तरह लीन थे, और उन्होंने एक एक करके 999 कमल पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर दिए। जब भगवान विष्णु ने 1000वां पुष्प अर्पित करने का विचार किया, तो थाल में एक भी पुष्प नहीं था। भगवान विष्णु को लगा कि बिना इस पुष्प के पूजा अधूरी रह जाएगी। इस स्थिति में न तो वे स्वयं पुष्प लाने जा सकते थे, और न ही किसी को भेज सकते थे, क्योंकि पूजा के समय बोलने या पूजा से उठने की मनाही थी। दोस्तों, भगवान विष्णु के पास एक विकल्प था। उन्होंने सोचा कि लोग उन्हें कमल नयन कहते हैं, अर्थात उनकी आंखें कमल के समान हैं, इसलिए उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर उसे भगवान शिव को अर्पित कर दिया। भगवान शिव भगवान विष्णु की इस गहरी भक्ति और समर्पण को देखकर भावुक हो गए, और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु गिर पड़े। भगवान शिव की ये भावनात्मक प्रतिक्रिया सुदर्शन चक्र के रूप में परिणित हुई। ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के दाहिने हाथ की तर्जनी में हमेशा धारण रहता है। इस तरह से भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस घटना ने ये दर्शाया कि कैसे भगवान विष्णु की भक्ति और भगवान शिव की दया के माध्यम से सुदर्शन चक्र का जन्म हुआ, और ये दोनों देवताओं के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। वहीं शिव महापुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, और दानव जब स्वर्ग लोक तक पहुंच गए, तब सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर भगवान शंकर की आराधना की। भगवान विष्णु ने 1000 नामों से भोलेनाथ की स्तुति करी, और प्रत्येक नाम के साथ एक कमल का फूल भोलेनाथ को अर्पित करते गए। तब भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प को छिपा दिया। नारायण ने 999 कमल पुष्प अर्पित किए। जब वे आखिरी कमल पुष्प यानी 1000वें पुष्प को अर्पित करना चाहते थे, तो थाल में कोई पुष्प नहीं था। भगवान नारायण को लगा कि ऐसे तो पूजा अधूरी रह जाएगी, तो उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर शिवजी को कमल पुष्प समझकर अर्पित कर दिया, और भगवान शिव ने भगवान विष्णु को चक्र भेंट किया। दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आपका।